दिल्ली अभी भी सांप्रदायिक हिंसा से उबर नहीं सकी है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जैसी तस्वीरें हमने देखी हैं, लग भी नहीं रहा है कि 24 फरवरी से शुरू होकर अगले 5 दिन दिल्ली में जो भी हुआ उसके दाग बहुत आसानी से जा सकेंगे। क्या मीडिया और क्या सोशल मीडिया, हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है। सोशल मीडिया हमेशा की तरह एक्टिव है, जहां हर तरह के एजेंडे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तमाम वीडियोस फोटोज खूब शेयर हो रहे हैं और इस शेयर रीट्वीट की आपाधापी में कोई भी इस बात की सुध लेने को राजी नहीं है कि आखिर जिस कहानी को वो शेयर कर रहे हैं उसमें सच्चाई की मात्रा कितनी है। इस चक्कर में कितनी ही झूठी कहानियां, कितनी ही गलत जानकारियां लोगों तक पहुंच रही हैं और लगातार लोगों के बीच तनाव को बढ़ाती जा रही हैं। सालों बाद जब दिल्ली में हुए इन दंगों पर कोई बुद्धिजीवी अपना समय खर्च कर रहा होगा तो उसे एहसास होगा कि इन दंगों को भड़काने में सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही तमाम फर्जी खबरों का कितना बड़ा योगदान है। इसी क्रम में एक वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। शाहीन बाग में चल रहे एंटी सीएए प्रोटेस्ट को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश हुई है। वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को 500-500 रुपए दिए जाने के झूठे वीडियो से लेकर सैकड़ों कॉन्डम मिलने तक की झूठी खबरें फैलाई गईं। इस दौरान सोशल मीडिया पर टुच्चई की सीमा लांघने वाले अकाउंट्स को भरपूर समर्थन मिला उस जमात का, जिसे पढ़ा लिखा और समझदार समझा जाता था, या फिर उनका भी जो जिम्मेदारी भरे पदों पर बैठे हुए थे। मिशन सिर्फ एक दिखाई दे रहा था, शाहीन बाग की बदनामी। दिल्ली में हुई हिंसा के कुछ रोज बाद ही एक वीडियो और वायरल होने लगा। ये इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा था कि हिंसा भड़काने, पत्थर चलाने के एवज में लोगों को पैसे बांटे गए थे। यहां यह भी बता दिया जाए कि इस पोस्ट का टारगेट मुस्लिम लोग थे। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके सपोर्टर्स के सैकड़ों ग्रुप्स में से एक है वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। यहां इस वीडियो को पोस्ट किया गया जिसे 64,000 से ज्यादा शेयर मिले हैं। कोई अमित बजाज हैं जिन्होंने इसे पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये वीडियो इस बात का सबूत है कि दंगा भड़काने और पत्थर मारने के लिए पैसे बांटे गए थे। अमित ने जो पोस्ट किया है उसकी वर्तनी काफी खराब है और इस पोस्ट में जो कमेंट्स आए हैं उनकी भाषा और भी ज्यादा खराब है। एशिया नेट ने वायरल वीडियो के आधार पर आर्टिकल तक लिख दिया कि शाहीन बाग में लाइन लगाकर प्रदर्शनकारी महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। कई लोगों ने इसे शाहीन बाग का बताकर शेयर किया है। इसमें भाजपा दिल्ली के सचिव कुलजीत सिंह चहल और बिना फैक्ट चेक किए फर्जी खबरों को फैलाने के लिए कुख्यात तारिक फतेह भी शामिल हैं। ये वीडियो इसी दावे के साथ कई जगहों पर दिखाई दिया। वीडियो को शेयर करने वाले अधिकतर लोगों ने लिखा है शाहीन बाग से ये लाइव है। ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की पड़ताल की तो मालूम चला कि एक फेसबुक यूजर चंद्रमोहन वायरल वीडियो में दिख रही जगह पर गए और उन्होंने वहां से सोशल मीडिया पर किए गए दावों को खारिज करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में चंद्रमोहन बताते हैं कि 28 फरवरी को शिव विहार से कुछ लोग आए जो कि दंगों से प्रभावित हुए थे। जिस जगह का यह वीडियो है उसे बाबूनगर ए ब्लॉक गली नंबर 9 के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों ने शिव विहार के लोगों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। What happened? The truth. Now on that day, this was on 28. On that day, this place basically is called Babu Nagar. Okay, A block, Gully number 9. Okay, a lot of people in Shiv Vihar, the people, the victims who are affected in Shiv Vihar, have come over here, and a lot of them are staying over here because they have lost their homes and everything. So the people over here have magnanimously opened their heart and their homes, and they're all staying in different homes over here. इस वीडियो में चंद्रमोहन वायरल वीडियो में दिख रहे एक व्यक्ति का परिचय भी कराते हैं। इनका नाम शहजाद मलिक है। So there is a person called Shahzad Malik. Okay, Mr. Shahzad Malik is the one whom you saw in the video. Okay, distributing cash. Okay, so Mr. Malik is right here. All right. Okay. In fact, we asked him to even wear the same dress so that you can, you know, understand that we are telling the truth. Now, what happened is in this area, to all those poor people who are there, who are victims of over here, Shahzad Bhai started giving out rations because they need rice, they need dal, they need all those essentials. चंद्रमोहन कहते हैं कि शहजाद ने पीड़ितों को राशन भी बांटा और क्योंकि पीड़ितों की संख्या काफी ज्यादा थी इसलिए राशन खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि शहजाद मलिक का दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने 70,000 रुपए बांटे।
Now, as they were giving the rations, all the rations got over because there are so many hundreds of people they have to be given. When the rations got over, this man had a big heart that he gave 70,000 rupees of his own money, not somebody else's money, of his own money. For each person, he gave 500 rupees. That is the video that was shot. Alt News ने चंद्रमोहन के वीडियो में दिख रही लोकेशन की वायरल वीडियो से तुलना की. हमें काफी सिमिलैरिटीज नजर आईं. दोनों वीडियो में कचरे के ढेर के पास एक टूटा हुआ हेलमेट दिख रहा है. ऑल्ट न्यूज के साथ बातचीत के दौरान चंद्रमोहन ने बताया कि वो चेन्नई से हैं और सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं. दंगों की खबर के बाद वो दिल्ली आए ताकि कुछ राहत और बचाव कार्य कर सके. वो ट्रेड यूनियन के कुछ युवाओं से मिलकर ये काम कर रहे थे और फिर मुस्तफाबाद में ही शिफ्ट हो गए, जो कि शिव विहार के बगल में ही है. यहां उन्होंने एक राहत बेस बनाया. उन्होंने जब पहली बार शहजाद का वीडियो देखा तो आसपास के लोगों से इस बारे में पूछा. एक आदमी ने उनसे कहा कि वो वीडियो में पैसे बांट रहे आदमी को जानता है. इस तरह से चंद्रमोहन की मुलाकात शहजाद मलिक से हुई. ये वीडियो जो कि वायरल हो रहा है, इसका एक बड़ा हिस्सा भी है जो कि किसी ने भी नहीं दिखाया है. वीडियो में महिलाओं को लाइन में लगे हुए देखा जा सकता है और एक महिला को शहजाद को पुकारते हुए भी सुना जा सकता है. वीडियो के एक हिस्से में शहजाद ये भी कहता है कि जिन्हें जरूरत है वही लोग आए. शहजाद ने हमें बताया कि उसने राशन भी बांटा था, उसका वीडियो भी हमें मिला. ऑल्ट न्यूज ने शहजाद मलिक से भी बात की. उन्होंने कहा, तो सर यहाँ पर जो मुसलमानों के हिंदुओं के सबसे घरों में जो आग लगी थी जी, तो जितने परेशान हाल में थे, जिनके घर में मतलब राशन नहीं था, दूध नहीं था या दवाई वगैरह नहीं थी, हाँ क्या, तो वो जब राशन आया था कहीं से बाहर से एक गाड़ी के अंदर जी, तो हमने राशन बांट दिया था. बांटने के बाद क्या हुआ, उसमें 100-150 औरतें थी जिनके पास मतलब कुछ भी सामान नहीं था, खाने पीने का, दवाई दूध वगैरह सब थे, हाथ में बच्चे भी थे. अच्छा. तो उनको देखा नहीं गया, तो अच्छा. मैंने क्या करा, अपने घर से पैसे लेके उनको सबको 500 रुपए दे दिए. वो किसी ने वीडियो शूट करके उसको गलत फैला दिया कि 500 रुपए जो दिए हैं ये साइन बाकी रहे थे और सब दिए. अच्छा जी. और वीडियो भी सर परसों की है, ये 28 तारीख की वीडियो है और दंगे जो हुए थे सर 24-25-26 में हुए थे और मैंने 28 तारीख को मदद की थी. पहले मैंने उसका सामान भेजा था और वो वीडियो जो काटी है सर 30 सेकंड की मेरी डाली है. अच्छा. और मेरी वीडियो जो है वो 3 मिनट की है. पहले उसमें मैंने सामान बांटा. अच्छा. सामान बांटने के बाद जब खत्म हो गया, जो पब्लिक बची है और उनको फिर मैंने उनको पैसा दिया. और मैंने जो एक दो बार मैंने ये भी बोला है कि जिस लेडीज को जरूरत हो, जो ज्यादा जरूरतमंद हो वो ही लेना. तो उन्होंने सर मेरी 30 सेकंड की वीडियो काट के उन्होंने सर इसको फैला दिया. अच्छा. इस तरह से ये दावा कि शाहीन बाग में धरना करने के लिए या फिर दिल्ली में हिंसा भड़काने के लिए लोगों को 500-500 रुपए बांटे जा रहे हैं और ये उसी का वीडियो है, ये दावा गलत पाया गया. शहजाद मलिक दंगे में बर्बाद हुए लोगों की मदद कर रहा था और उसके इस वीडियो को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. ऑल्ट न्यूज लगातार खबरों, वीडियोस, फोटोज वगैरह की सच्चाई आप तक ला रहा है और आगे भी ऐसा करता रहेगा. ऑल्ट न्यूज को डोनेट करने के लिए जाएं www.instamojo.com/@altnews पर. आपको ये लिंक कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा.